नेक्स्ट टॉपिक है बर्नौली की प्रमेय के अनुप्रयोग। इसमें पहला टॉपिक है टारसौली का बहिस्त्राव नियम अथवा बहिस्त्राव वेग। तो एक बर्तन लिया ठीक है, उसमें h ऊंचाई तक द्रव भरा है। ठीक है, एक बर्तन लिया, इसमें कैपिटल h ऊंचाई तक द्रव भर दिया गया। ठीक है, और जो द्रव है उस द्रव का जो घनत्व है वो रो है। ठीक है, तो माना बर्तन के स्वतंत्र तल से, ये बर्तन का स्वतंत्र तल है, तो स्वतंत्र तल से h गहराई पर एक बिंदु कैपिटल A है। स्वतंत्र तल से h गहराई पर एक बिंदु या छेद कह सकते हो, एक छिद्र कैपिटल A है। ठीक है, अब इस छिद्र से जो द्रव निकल रहा है उस द्रव का वेग जो है वो v है। ठीक है, यहां से h गहराई पर एक बिंदु A एक छेद कर दिया गया। ठीक है, A पर, और जो A से द्रव निकल रहा है उसका जो वेग है बहिस्त्राव वेग क्या है, v है। ठीक है, अब जब द्रव पूरा ऊपर तक भरा होगा तो इस स्वतंत्र तल पर, ठीक है, द्रव की गतिज ऊर्जा क्या होगी। जैसे ये पानी भर दो इस पात्र में तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, इस गतिज ऊर्जा इसकी शून्य होगी क्योंकि इसमें कोई गति नहीं हो रही है, स्थिर अवस्था में है, तो इसमें केवल स्थितिज ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा नहीं होगी उसके स्वतंत्र तल पर कैपिटल एच ऊंचाई पर। ठीक है, गतिज ऊर्जा शून्य होगी और उसमें केवल स्थितिज ऊर्जा ही होगी। लेकिन जो ए से द्रव निकल रहा है, ठीक है, ठीक, उसमें ए से निकलने वाले द्रव में गतिज व स्थितिज दोनों प्रकार की ऊर्जा होगी। गतिज ऊर्जा भी होगी और स्थितिज ऊर्जा भी होगी। ठीक है, तो द्रव के स्वतंत्र तल तथा छिद्र के प्रत्येक बिंदु पर, ठीक है, द्रव के स्वतंत्र तल पर तथा छिद्र के, जिस जगह से छिद्र है, ठीक है, जहां से द्रव निकल रहा है उसके प्रत्येक बिंदु पर द्रव के एकांक आयतन की कुल ऊर्जा अर्थात दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जाओं का योग बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब मान लिया कि जो स्वतंत्र तल है, ठीक है, वहां पर वायुमंडलीय दाब पी है। वहां पर वायुमंडलीय दाब हमने क्या मान लिया, पी है। ठीक है, तो स्वतंत्र तल तथा बिंदु ए पर तो क्या हो जाएगा, स्वतंत्र तल पर पी प्लस क्या होता है, हाफ रो वी स्क्वायर। तो वहां पर क्या है, वेग शून्य है स्वतंत्र तल पर, प्लस जीरो प्लस रो जी एच, क्या होता है, पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, ये होता है बर्नौली की प्रमेय से। तो यहां पर पी प्लस जीरो प्लस रो जी एच, ठीक है, तो ये बन जाएगा P प्लस, अब यहां पर हाफ रो वी स्क्वायर A पर प्लस रो जी, अब यहां पर H ऊंचाई क्या हो जाएगी, यहां पे हाइट भी हो जाएगी, इतना हम यहां पे क्या हो एच नीचे पे है ना, तो ये हाइट हम अब यहां तक लेंगे, तो H में से H को माइनस कर दी, तो यहां तक की जो ऊंचाई हो जाएगी H माइनस एच, तो वो हम यहां पे रखेंगे H माइनस एच। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो पी पी कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर से, ठीक है, क्या बचेगा, हाफ रो वी स्क्वायर, इसको इधर ले आओगे इस टर्न को, तो प्लस रो जी एच, ये माइनस में हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, रो जी एच, बाकी टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, या यहां से अब हमें क्या निकालना है, रो रो कैंसिल आउट, तो वी स्क्वायर बराबर 2gh, तो v बराबर अंडर रूट 2gh,
एच, ठीक है, यही इसका वेग आ गया, जो ए से द्रव निकल रहा है उसका वेग आ गया। 1964 में टॉर्सोली ने इस नियम को बनाया था, इससे हम टॉर्सोली प्रमेय भी कहते हैं, ठीक है। अब पुनः एच ऊंचाई पर, ठीक है, अब आपको मालूम है कि यदि कोई वस्तु एच ऊंचाई से छोड़ी जाए, ठीक है, तो स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ी जाए तो गति के, ये समीकरण से हमें मालूम है क्या होता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पे जब स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा जाएगा तो यू जीरो हो जाएगा, यानी वी स्क्वायर बराबर टू जी एच, यानी वी इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी एच, ठीक है, ये आता है वी इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी एच, इसको हम इक्वेशन नंबर टू मान ले रहे हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, आपको तो हमें क्या पता चल गया कि किसी छिद्र से किसी द्रव के बहिस्त्राव का वेग उस वेग के बराबर होता है जो कि द्रव अपने स्वतंत्र तल से छिद्र तक स्वतंत्रता पूर्वक गिरने में प्राप्त करता है, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, अब हमें क्या दिया हुआ है, यदि द्रव की सतह पर दाब वायुमंडलीय दाब से भिन्न हो, ठीक है, तब वेग v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मान लो रो, और वो रोड ऐसे थोड़ा सा वायुमंडलीय दाब p से रो से भिन्न है, रोड ऐसे, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट टू जी एच प्लस रोड एस माइनस रो अपान रो, ठीक है। अब अगर रो डैश इज ग्रेटर देन रो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो 2gh जो है, ठीक है, नगण्य माना जा सकता है, तो उस समय जो वेग v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसके कंपेरिजन में ये नगण्य माना जा सकता है, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट रो डैश माइनस रो अपान रो, ठीक है। तो इसका मतलब अतः बहिस्त्राव वेग मुख्यतया पात्र में दाब पर निर्भर करता है, ठीक है, और रॉकेट का जो प्रक्षेपण होता है वो भी इसी पर निर्भर करता है, ठीक है। क्या बता रहे थे, बताया था यदि द्रव सतह पर दाब वायुमंडलीय दाब रो से भिन्न रोडेस हो तो वी का मान क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट टू जी एच प्लस रोडेस माइनस रो अपान रो, ठीक है। अब अगर रोडेस की जो वैल्यू है रो के कंपेरिजन में बहुत बड़ी हो तो 2gh का जो मान है उसके कंपेरिजन में बहुत ही छोटा होगा, तो उसको हम जीरो मान सकते हैं, तब v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट रोडेस माइनस रो अपान रो। अतः बहिस्त्राव का जो वेग होता है वो मुख्यतया पात्र में जो द्रव है उस पर जो दाब लग रहा है पात्र में दाब पर निर्भर करता है, ठीक है। रॉकेट का प्रक्षेपण भी इसी स्थिति का उपयोग किया जाता है, रॉकेट के प्रक्षेपण में इसी स्थिति का हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। अब बर्तन से जो भी छिद्र किया गया तो जो भी इसमें से द्रव निकल रहा है उसका पथ जो है वो परवलयाकार होता है, जो भी पथ है उसका पथ कैसा होता है, ऐसा ऐसे गिर रहा है तो ये पथ क्या होता है, परवलयाकार होता है, ठीक है। तो वस्तु की ऊर्ध्व और क्षैतिज गतियां एक दूसरे पर निर्भर करती हैं, तो छिद्र से जो भी द्रव निकल रहा है, ठीक है, उस पर क्षैतिज दिशा में कोई त्वरण कार्य नहीं करेगा, ठीक है। तो जब क्षैतिज दिशा में कोई त्वरण नहीं कार्य करेगा तो उसका वेग क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा, यानी क्षैतिज वेग इसका जो भी द्रव निकल रहा है इसका क्षैतिज वेग क्या हो गया, नियत हो गया, ठीक है। तो क्षैतिज वेग द्वारा टी समय में तय की गई क्षैतिज दूरी निकालेंगे, ठीक है। अब दूरी हमें मालूम है, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर वेग गुणे समय, तो दूरी मान ले रहे हैं एक्स, तो एक्स बराबर क्षैतिज वेग, क्षैतिज वेग माना है वी, तो क्षैतिज वेग गुणे समय, ठीक है। तो वेग बराबर हो गया वी और समय हो गया टी,
ठीक, अब वेग कितना आया था, v बराबर अंडर रूट टू जी एच इंटू टी, ठीक है। परंतु द्रव पर ऊर्ध्व दिशा में नीचे की ओर कोई गुरुत्वीय त्वरण कार्य, ठीक है, नीचे की ओर गुरुत्वीय त्वरण जी कार्य करता है, ठीक है। परंतु द्रव पर ऊर्ध्व दिशा में, ठीक है, ऊर्ध्व दिशा में जो भी गिर रहा है उस पर नीचे की ओर गिरेगा तो उस पर क्या करेगा, गुरुत्वीय त्वरण जी कार्य करता है, ठीक है। तो ऊर्ध्व दिशा में नीचे की ओर गुरुत्वीय त्वरण जी कार्य करता है, ठीक है। तो माना टी समय में, स्मॉल टी समय में, ठीक है, द्रव ऊर्ध्व दूरी, ठीक है, एच माइनस एच दूरी तय करता है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एस बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, तो यहां पे चली गई दूरी क्या है, एच माइनस एच है, ठीक। क्या होता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो यू क्या है, प्रारंभिक वेग जीरो है यहां पे, तो उसकी जगह जीरो रख दोगे भाई, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां पे यू जीरो हो जाएगा, तो एस इज इक्वल टू जीरो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो एस बराबर क्या हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर, इसी का हमने यहाँ पे यूज किया है, तो एस बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। एस क्या है, यहाँ पे दूरी है, तो यहाँ पे चल दूरी कितनी है, एच माइनस एच है, तो यही इसीलिए हमने एस की जगह पे क्या लिख दिया, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। ठीक है, तो एच माइनस एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, टी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू टू एच माइनस एच, ये आ गया, और टी स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ से, टू एच माइनस एच अपान जी, तो टी इज इक्वल टू अंडर रूट टू एच माइनस एच अपान जी, ठीक है। तो ये क्या आ गया, हमें समय निकल आया, ठीक है। तो हमें दूरी क्या पता थी, x इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी एच, ठीक है। ठीक, तो अभी हमने पीछे एक इक्वेशन लिखवाई थी, वहां पे t की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो अंडर रूट टू जी एच इंटू टी था, तो इंटू इंटू, ठीक है, x इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी एच इंटू टी आया था, अब t की वैल्यू यहां पे रख देते इंटू टू एच माइनस एच अपान जी, ठीक है। तो हम इसको अब सॉल्व करेंगे, तो x की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, टू अंडर रूट टू एच माइनस एच, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट टू फोर, यानी हो जाएगा टू अंडर रूट जी एच एच माइनस एच अपान जी, जी जी कट जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा टू अंडर रूट एच माइनस एच, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन आ रही है, ठीक है, ये वाली, ठीक, ये इक्वेशन क्या बता रहे है, इस इक्वेशन से पता चल रहा है कि बर्तन में छिद्र स्वतंत्र तल से चाहे h गहराई पर हो या h माइनस एच गहराई पर हो, ठीक है, पर, ठीक है, बर्तन की तली से h ऊंचाई पर हो या बिंदु C पर हो या बिंदु A पर हो, उसका परास x उतना ही होगा जब वो h इंटू एच माइनस एच अधिकतम होगा। तो चाहे A पर हो चाहे C पर हो, उसका परास उतना ही होगा।
अब हम H माइनस H के अधिकतम मान के लिए क्या करेंगे कि इसका जो अधिकतम मान आ रहा हो उसके अधिकतम मान कैसे निकालते हैं। तो इसके अधिकतम मान के लिए क्या करेंगे, H माइनस एच के अधिकतम मान के लिए हम निकालेंगे क्या करेंगे, इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं d अपॉन डी एच ऑफ H, H माइनस एच इज इक्वल टू जीरो। तो ये आ जाएगा d अपॉन डी एच, ठीक है, ये हो जाएगा H, H माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो H माइनस टू एच इज इक्वल टू जीरो, तो H इज इक्वल टू आ जाएगा H बाई टू, ठीक है। तो यानी x मैक्सिमम इज इक्वल टू टू अंडर रूट h बाई टू इंटू एच माइनस एच बाई टू, ठीक है। तो x मैक्सिमम जो है वो आ जाएगा h के बराबर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब जो भी छिद्र है वो, जब मान लो जो भी बर्तन है जहां तक द्रव भरा है उसका ठीक बीचों बीच में अगर हम छेद कर दें तो जो द्रव गिरेगा उसका जो परास होगा वो बर्तन में जिस ऊंचाई तक द्रव भरा है उसके बराबर होगा। यानी जब छिद्र बर्तन की दीवार के ठीक बीचों बीच में होगा तब द्रव की धार सबसे अधिक दूर यानी बर्तन में द्रव की ऊंचाई के बराबर गिरेगा, ठीक है। यह है टॉर्चौली की प्रमेय।